Welcome to Sri Shyam Group Education, and now we will discuss about the narration topic. कुछ examples लेते हैं और उनको practice करते हैं कि do you know very well कि practice makes a man perfect. तो take some examples. Examples. First example. Ram said to Shyam. Comma, inverted comma. I am not going to school. I am not going to school. First जो example है हमारा direct speech का, राम से टू श्याम कोमा इन्विटेड कोमा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस. ये नेगेटिव सेंटेंस है. कैसे पता चला, हाउ डू यू नो कि हाउ डू यू नो अबाउट दिस सेंटेंस कि दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ये नेगेटिव सेंटेंस होता है. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हाउ टू चेंज. नेक्स्ट इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो राम एज ए टीज सेम का सेम यहां पर पुट होगा, यहां पर रखा जाएगा राम एज ए टीज सेम का सेम आएगा, और से टू को टोल्ड में चेंज करेंगे. आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड कैसे, हाउ टू चेंज, बिकॉज अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है और सेड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज किया जाता है. और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ये एज इट इज सेम के सेम आ जाते हैं. तो श्याम एज इट इज सेम का सेम. नेक्स्ट जब कनेक्टिव वर्ड ये जो कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज किया जाता है और कोमास और कोमा को जब रिमूव करते हैं तो कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज होता है, और उसके बाद सेकंड पार्ट की टर्न आती है. तो सेकंड पार्ट में ये जो सब्जेक्ट है आई कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट्स. और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है. ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन आई गिवन है, आई दिया हुआ है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. अब नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में बनेगा, पास्ट टेंस में ही बनेगा रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं. तो यहां पर ये जो आई है, आई जो फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर चेंज किया था, यहां पर क्या आ जाएगा, ही का यूज करेंगे. और इज एम आर का यूज किया था, यहां पर इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है. तो नेक्स्ट अब इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ही के साथ वाज का यूज होगा. और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नोट का यूज किया जाएगा. फिर उसके बाद गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप. ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस से होती है तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय. और
सेटू के स्थान पर टोल्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता सेड टू गीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू हैव डन माय होमवर्क। यू हैव डन माय होमवर्क। अब सीता से टू गीता कोमा इन्वर्टेड कोमा यू हैव डन माय होमवर्क। अब इसको चेंज करेंगे तो ये जो डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है सीता से टू गीता, से टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के एज अ टीज आ जाते हैं। तो से टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और गीता एज अ टीज सेम का सेम। नेक्स्ट कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे और ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, तो हैड में चेंज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो माई है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या है, सीता नेम ऑफ गर्ल है, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। और सी के लिए जो पजेसिव यूज होता है वो होता है हर होमवर्क, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट यू सेड टू मी, यू सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू नो, डू यू नो माय फ्रेंड। स्टूडेंट्स यू सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू नो माई फ्रेंड, डू यू नो माई फ्रेंड। अब हमें पता है, यू नो वेरी वेल, कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ डू यू नो कि दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे पता चला कि आप लोगों को कि यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वो है हेल्पिंग वर्ब से है, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो इट मींस ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इफ यू आर स्टार्टिंग विद ए हेल्पिंग वर्ब और एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान यूज कर रहे हो, तो से टू के स्थान पर आस्कर का यूज होगा। इनडायरेक्ट बनाते समय यू एज इट इज सेम का सेम आएगा और से टू के स्थान पर आस्कर का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट मी एज इट इज, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड की टर्न आती है। अब बात आती है कनेक्टिव वर्ड की। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को जब रिमूव करेंगे तो इफ या वेदर का यूज किया जाता है। कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज होता है, और बिकॉज क्योंकि हमने इफ या वेदर का यूज और यहां पर आस्कर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है ये इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, तो इट मींस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता होगा, तब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज करोगे और से टू के स्थान पर आस्कर का यूज करोगे। नेक्स्ट ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो अब नेक्स्ट यू
यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आई ऑल्सो टोल्ड यू माई लास्ट वीडियो, तो मी क्या ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई। उसके बाद अब इसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और इसको जब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो न्यू। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यहां पर ये क्या, पॉजेसिव, और पॉजेसिव के स्थान पर पॉजेसिव का यूज किया जाता है। तो यू क्या, यू सब्जेक्ट है, और यू का पॉजेसिव क्या होता है, योर फ्रेंड, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता क्या है, द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू एसर्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस बाय अ फुल स्टॉप इन इनडायरेक्ट स्पीच, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये जो हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होती है, ये वाला जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये आप लोगों के जरूर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग WH वर्ब से होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग WH वर्ब से होती है, फोर्थ नंबर पर सीता से टू राम, सीता से टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा, वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे मॉर्निंग। सीता से टू राम कोमा इनवर्ट कोमा, वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे मॉर्निंग। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जो बिगिनिंग है, हेल्पिंग वर्ब से न होकर किससे है, WH वर्ब से है। इसकी जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग किससे है, WH फैमिली से है। तो इसका मतलब कि मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग WH फैमिली से होती है, तो कनेक्टिव वर्ड एज अ टी सेम का सेम यहाँ पर यूज होगा। और सेड टू के स्थान पर दोनों ही सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर WH फैमिली से होती है, दोनों ही वाक्यों में सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज सेम की सेम आएगी, आस्कर। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, सीता एज इट इज सेम का सेम, यहाँ पर सेड टू के स्थान पर आस्कर का यूज किया। नेक्स्ट, राम एज इट इज सेम का सेम, फिर उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड एज इट इज सेम का सेम यूज करेंगे, और उसके बाद टर्न आती है रिपोर्टेड स्पीच की। और रिपोर्टेड स्पीच का जो ये पार्ट है और इसका जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही वाज गोइंग द प्रीवियस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप का सिंबल आ जाएगा यहां पर। सीता आस्क राम वेयर ही वाज गोइंग द प्रीवियस मॉर्निंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन ना हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, जो पार्ट है, उसमें अगर
सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं? राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद माई टीम। मोहन सेड कोमा इनवर्टेड कोमा यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद माई टीम। अब यहां पर डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है ये, और डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इट मीन्स के कैसे चेंज करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को, तो मोहन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मी या फिर हिम, थर्ड पर्सन या हर को एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर मोहन सेड, अगर यहाँ पर मी एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में मी का यूज करेंगे और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज होगा, और यहाँ पर ये मी को ज़ूम किया हमने यहाँ पर मान कर चले हैं, तो यहाँ पर यू इसके अनुसार चेंज होगा, और मी यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट आई, और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वाज प्लेइंग क्रिकेट विद, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर क्या आ जाएगा हिज टीम फुल स्टॉप। अगर यहां पर हिम को मानकर चलते हैं, ज़ूम करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा हिम, और अगर फिर यहां पर क्या आ जाएगा ही का यूज करेंगे, अगर यहां पर हर मान कर चलते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा सी का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो बचा हुआ जो शेष भाग है वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वेरी गुड।